नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के कलीचाबाद गांव में शनिवार की सुबह नदी में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की शिनाख्त टीडी कॉलेज के छात्र नेता पवन यादव के रूप में की गई। गले पर नाखून से खरोंच के अलावा शरीर पर कई चोट नहीं थी। वह शुक्रवार की रात घर से निकला था। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सुबह शौच के लिए जा रहे ग्रामीणों की नज़र कलीचाबाद स्थित राम जानकी मंदिर से करीब 100 मीटर दूर गोमती नदी में युवक के शव पर पड़ी तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर लाइन बाजार थाना प्रभारी जेपी सिंह सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नदी से निकलवाया तो शिनाख्त पवन यादव उर्फ लोहा 25 वर्ष, पुत्र राजपति यादव निवासी अभयचंद पट्टी बक्सा के रूप में हुई। वह कलीचाबाद में कई वर्षों से अपने नाना जीतलाल यादव के घर रह रहा था। मृत पवन टीडी डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुका था। थाना प्रभारी के मुताबिक मृत पवन यादव नशेड़ी प्रवृत्ति का था। पूछताछ के दौरान स्वजनों ने बताया कि वह शुक्रवार की रात करीब 10 बजे घर से निकला था। गले पर नाखून से खरोंच के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में भी कोई चोट प्रत्यक्ष नहीं पता चल रहा है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आज सुबह थाना लाइन बाजार को एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें ये बताया गया है कि एक अज्ञात युवक का शव नदी में पड़ा हुआ है। इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। जो पुरुष अज्ञात का मिला है उसमें आस पास के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ये थाना बक्सा क्षेत्र का रहने वाला है। जब पुलिस ने उसकी शिनाख्त हो गई तो उसके बाद जब देखा गया तो उसके शरीर पर कोई जहरीला चोट नहीं है, नाखून के निशान उसके गर्दन पे हैं। उसके शव कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। थाना खुटहर में वादी के द्वारा 376 एफबीसी की तहरीर दी गई है। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। दो के ऊपर आरोप लगाया गया है। दोनों आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।